हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीन क्रिएशंस। आज हम आपके लिए किट्स बैटरी ऑपरेटेड जंबो बाइक लेके आए हैं। पहले हम एक बाइक लाए थे 008 मॉडल की, उसी का एक अपग्रेडेड मॉडल है। इसका मॉडल नंबर है 9002, स्पीड V9 बाइक है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है शॉकर का, और बाकी ये साइड स्टैंड वाली बाइक है और बिग बाइक है। तो आइए इसका अनबॉक्सिंग और असेंबली स्टार्ट करते हैं। Finally prove it, never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. हमने इसको पूरा अनबॉक्सिंग कर लिया है। आप देख सकते हैं ये तो मेन बॉडी पार्ट है, और ये इसका जो है मास्क बहुत ही प्यारा। हेडलाइट्स आप देख सकते हैं, ये कार्बन फाइबर फिनिश है इसमें। फिर इसके लिए जो साइड ग्लासेस हैं, साइड ग्लासेस भी इसके बहुत अच्छे वाले हैं। इसके अंदर ये निकालेंगे पन्नी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये फुटरेस्ट आ गया इसका, ये इसकी सीट आ गई। सीट पर इस बार जो इसका लॉक है, जनरली स्क्रूज आते हैं, मगर ये लॉक अनलॉक वाला बटन है। ये दूसरी साइड का फुटरेस्ट, ये इसकी पीछे की नंबर प्लेट। अगर आप हमसे परचेज़ करेंगे और यहाँ पे आप चाहते हैं कि दीदी का नाम या आपको कोई मनपसंद नंबर कस्टमाइज़ करवाना है, तो हम वो प्रिंट करके देंगे आपको साथ में। ये इसका चार्जर हो गया, और ये देखिए कमाल का हैंडल है, इतना बड़ा हैंडल है आप देख सकते हो। ये हैंड रेस भी एकदम नई डिज़ाइन वाली आई है इसके अंदर, अब तक किसी भी बाइक में इतनी अच्छी हैंड रेस नहीं आती है। और इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जैसा कि ये पूरा इसका 2-3 पेज का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। सारे वार्निंग्स है, मेंटेनेंस के लिए कैसे यूज़ करना है, सब कुछ है इसके अंदर। पर इसका ये जो एक मेन पार्ट है फुटरेस्ट, अगर आपको लगता है बच्चा बैलेंस नहीं बना सकता है, छोटा है, 5-6 साल से नीचे है, तो आप ये फुटरेस्ट भी लगा सकते हैं इसमें, नहीं तो इसमें साइड स्टैंड है। बाकी इसका स्क्रूज वगैरह और ये एलन की और स्क्रू ड्राइवर इसके साथ। सो गाइज, अब हम इसका असेंबली स्टार्ट करेंगे। अब हम इसका फुटरेस्ट लगाएंगे राइट वाला। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये ब्रेक है, तो ब्रेक कब आया, सबसे पहले ये मेल फीमेल सॉकेट यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो केबल टाइप से बंधा हुआ रहता है ये वायर, तो अपन सबसे पहले इसको यहाँ लगाएंगे ऐसे। ये प्लग इन किया आपने, इसको धीरे धीरे अंदर जाने देना आपको। ये जो लॉक्स हैं इसमें, तो फिट हो गया सेम इसी टाइप से। अपन दूसरी साइड का फुटरेस्ट लगाएंगे, मगर इसके अंदर आपको वायर कुछ भी नहीं लगाना है, सिर्फ ये लॉक है, पांचों लॉक आपको बस टाइट दबा देना। हमने इसे बाइक को लिटा दिया है, किसी सॉफ्ट सरफेस पे या किसी कपड़े पे आप लिटा देना। अब हम इसका ना फुटरेस्ट लगाएंगे। देखो ये दोनों फुटरेस्ट लग गए, अब ये सपोर्ट व्हील लगाएंगे हम। तो सपोर्ट व्हील लगाने के लिए आप देख सकते हो, ये देखो ये वाला जो बड़ा पार्ट, ये छोटा पार्ट, ये वाला इधर रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ के दो स्क्रूज लगाएंगे बड़े वाले। ये दोनों स्क्रूज लगाने के लिए, ये दोनों लंबे स्क्रूज हैं, ये दोनों लंबे स्क्रूज हमें यहाँ पे लगाना है। देखिए मैं फिर से आपको एक चीज़ वही बताऊँगा कि अंदर प्लास्टिक है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, नॉर्मल टाइट करना है जो फिक्स टाइट हो जाए। अब हमको दो स्क्रूज लगाने हैं यहाँ पर और दो स्क्रूज लगाने हैं यहाँ पर। ये देखिए ये दो स्क्रूज मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से जा रहा है, ये देखिए एक स्क्रू यहाँ लग गया है और दूसरा स्क्रू हमको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए ये दोनों स्क्रू लग गए, सेम इस टाइप से आपको उस साइड भी दोनों स्क्रूज लगाने हैं इसके। अब हम इसका फ्रंट व्हील लगाएंगे। फ्रंट व्हील में आप देख सकते हो ऑलरेडी मड गार्ड लगा हुआ है, एक वायर है लाइट का ये वाला, ये मेल सॉकेट, इस यहाँ पे देखिए ये फीमेल सॉकेट है, इसमें लगेगा। मगर पहले अपन को ये पाइप इस होल के अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद लगेगा। तो हल्का सा आपको बाइक ऐसे ऊपर करनी है। ये देखिए यहाँ पे
उसके बाद आपको ये जो वायर है ये ऐसे मेल फीमेल सॉकेट लगा देना है पूरा, फिर धीरे से ऐसा डालना है। अब देख सकते हो ये ऊपर इसका जो हैंडल है वो बाहर आ चुका है। अब हमें यहाँ पे इसको वो इसका जो मेन स्टैंड है स्टेयरिंग वो लगाना है। अब हम इसका हैंडल लगाएंगे, ये स्टेयरिंग बोल सकते हैं हैंडल। तो स्टेयरिंग में आप देखोगे यहाँ पे ये कैप लगी हुई है, इसको निकालनी है अपन को ऐसे। ये देखिए ये निकल गई। अब ये थोड़ा अलग टाइप का स्टेयरिंग है, आपको एक सबसे पहले एक तो ये वायर कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पहले आपको वायर कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए वायर कनेक्ट करने के बाद आपको हैंडल हाथ से छूटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं घिरना चाहिए, नहीं तो वायर कट जाएगा, वायर टूट गया तो बहुत दिक्कत होगी। अब आपको ये इसके अंदर डालना है, देखिए ये ऐसे जा रहा है, ये देखिए। अब हमको ये वॉशर रख के और फिर ये इसमें डालना है ऐसे, और इसको बस टाइट कसना है। देखिए ये अभी तक पूरा गया नहीं अंदर, ये इसको हमको टाइट कसना है। इसको कसने के लिए हमारे पास एक एलन की दी हुई है साथ में, इसके साथ ही आई हुई है एलन की। इस एलन की से अपन टाइट कर सकते हैं इसको, ये देखिए अच्छे से टाइट कर लेना है इसको। ये देखिए ये अच्छे से टाइट हो गया, हैंडल पूरा मूव हो रहा है। उसके बाद हम ये वाली जो कैप है ये फिर से यहाँ पे ऐसे लगा देंगे इसमें, ठीक है। अब हम इसका फ्रंट वाला मास्क लगाएंगे। फ्रंट मास्क लगाने के लिए सबसे मेन चीज़ आपको ये जो लाइट का वायर है ये सबसे पहले ऐसे कनेक्ट करना है। आप देखिए चाहें तो किसी की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि असेंबली करते वक्त अगर वायर लगने के बाद ये मास्क आपके हाथ से छूट गया तो वायर टूट जाएगा, और ये वायर किसी भी हालत में अंदर नहीं गिरे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, नहीं तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो लॉक है यहाँ पे दिख रहा है इसमें बस ये प्लग इन होगा। देखिए दो लॉक यहाँ लगेंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ यहाँ। इसको बस ऐसे करना है अच्छे से, और बस आपको टाइट से दबा देना है। तो आप किसी की हेल्प फिर से ले सकते हैं, एक जन को बोलिए कि बाइक पकड़ने के लिए और दूसरे जन को ऐसे प्रेस करने के लिए। ये देखिए ये पूरा एज टू एज लग चुका है। तो अब हमने ये इसका मास्क लगा दिया। अब हम इसके साइड ग्लासेस लगाएंगे। साइड ग्लास लगाना भी बहुत इजी है। देखिए इसके अंदर एक स्क्रू लगा हुआ है, तो ये स्क्रू हमने निकाला। ये साइड ग्लास यहाँ पे ऐसे, इसको देखिए ये ऐसे फिट हो गया, ऐसे डालना है और अंदर से आपको स्क्रू बस लगा देना, और सेम इसे टाइप से आपको दूसरी साइड का भी लगाना है। ये देखिए ये टाइट हो गया, सेम इस टाइप से आपको उधर का भी लगाना है। सो अब हम इसके नंबर प्लेट लगाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको ये नंबर प्लेट कस्टमाइज भी हो जाती है। इसमें देखिए ये लॉक है, तीन लॉक है ऊपर और नीचे, ये सब इसके अंदर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्क्रू लगेंगे, पर पहले हम लोग इसको टाइट प्रेस करके ये सारे लॉक लगा देंगे। देखिए लॉक लगने के बाद वैसे भी ये बहुत टाइट हो जाती है, मगर स्क्रू लगाने से थोड़ा और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे खेलते वक्त इधर उधर इसको टच करेंगे तो ये निकल के गिर सकती है। तो हमने दोनों साइड स्क्रू लगा दिया, अब एकदम टाइट फिट हो गई है। अब हमको इसका सीट एक बार अंदर के बैटरी कनेक्शंस और ये सब देखने हैं। अब इसके बैटरी कनेक्शंस, ये देखिए ये जो वायर है ये खुला हुआ आया था, ये हमने अभी लगाया है। और ये वाला वायर आपको इसके अंदर ऐसे प्लग इन करना है। जब भी हमको कभी वायर निकालना हो तो यहाँ पे प्रेस करके आप निकाल भी सकते हो इसे, यहाँ पे एक लॉक रहता है, ठीक है। ये सारे वायर्स आपको प्रॉपर चेक करने हैं, कहीं पे दब तो नहीं रहे, कट तो नहीं रहे, सब कुछ ठीक है कि नहीं है, फ्यूज़ वाले दोनों वायर ये सब लग रहे हैं कि नहीं। इसमें 12 वोल्ट 7 एम्पीयर की एक बड़ी बैटरी आती है, बैकअप अच्छा देती है। अब ये जो सीट है इसकी, ये सीट लगाएंगे हम, तो ये यहाँ पे लॉक से देखिए साइड में दो और यहाँ पर, तो इसको ऐसे अपन को रखना है। ये देखिए लग चुका है, ये इसमें बहुत ही अच्छा लॉक दिया हुआ है। आप इसको पकड़ के अगर इधर घुमाएंगे ये देखिए तो ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो चुकी है सीट। और इसको खोलने के लिए अगर वापस इसको ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा। आपको सिर्फ 90 डिग्री टर्न करना है, ये अनलॉक हो चुका है। वापस से हम भी करेंगे, ये लॉक हो चुका है।
ठीक है, आप इसको कॉइन से, किसी स्पून से, या किसी भी एक पतली चीज़ से आप इसको खोल सकते हैं। तो हमारी ये पूरी गाड़ी असेंबल हो चुकी है, और इसका जो चार्जिंग सॉकेट है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका बड़ा सा चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे ये चार्ज पे लगेगी गाड़ी, ये इसका चार्जिंग सॉकेट हो गया। गाइस ये इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी है, इससे भी देख के आप पूरा असेंबल कर सकते हो। हमने पूरी गाड़ी बहुत अच्छे से असेंबल कर ली है। इसमें एक बहुत अच्छा फीचर ये भी है कि जब एक्सीलेटर देते हैं तो उसकी आवाज़ आती है चलते वक्त। और आप ये गाड़ी हमसे परचेज कर सकते हैं, परचेज लिंक नीचे दिया हुआ है, अमेजोन पे भी ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।